केंद्र सरकार की स्वच्छता सर्वेक्षण में रायपुर इस वर्ष 41वें स्थान पर पहुंचा है। नगर निगम द्वारा बीते 2 साल से काफी मेहनत किया गया, इसी का नतीजा है कि इस वर्ष अंडर 50 की रैंकिंग में आकर 41वां स्थान प्राप्त किया है। रायपुर शहर वर्तमान में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर के काफ़ी चिंतित थी, उस हिसाब से हमने पिछले 2 सालों में लगातार काम किया। पिछली बार रैंकिंग हमारी 139वें नंबर पर आई थी, लेकिन हम धरातल पर मजबूत थे, डॉक्यूमेंटेशन में हमको कम मार्क्स मिले थे। इस समय खुशी की बात है कि हमारे स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग को देख करके महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों हमें सम्मानित किया गया, क्योंकि 139 पायदान पर थे, हम वर्तमान में 41वें नंबर पर अंडर 50 के रैंकिंग में आए हैं। तो इसके लिए मैं रायपुर शहर की 14 लाख जनता, यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यहाँ के प्रिंट मीडिया, नगर निगम के सभी सम्मानित पार्षदगण, MIC के सदस्यगण, सभी हमारे अधिकारी कर्मचारीगण के सामूहिक प्रयास से, और रायपुर शहर में सामाजिक संस्थाएँ और NGOs को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि सब मिलकर इस काम को किए हैं। उसी का परिणाम है कि हम ODF++ में भी काफ़ी ऊपर आए हैं, और अब स्वच्छता सर्वेक्षण में भी रायपुर शहर अंडर 50 में है। 500 शहरों में से अंडर 50 में आना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। चूँकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में लगभग 158 करोड़ की योजना एवं शहीद स्मारक भवन का लोकार्पण लेज़र शो के द्वारा किया जाना है, तो इसके लिए अवार्ड लेने के लिए हमने स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष श्री कुमार मेनन जी, जसवीर ढिलन जी और अपर आयुक्त हमारे ये जाकर अवार्ड लेंगे। माननीय मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया जी भी स्वयं वहाँ मौजूद रहेंगे। तो चूँकि दोनों तरफ कार्यक्रम था और ये हमारी योजना कंप्लीट हो चुकी थी ITMS की, तो इसलिए मैं यहाँ रुका हूँ। आयुक्त महोदय यहाँ हैं और जो अवार्ड लेने के लिए हमारे अपर आयुक्त जी और श्री कुमार मेनन जी जो स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष हैं, उनके वो अवार्ड लेकर रायपुर आएंगे। तो मैं इसके लिए रायपुर शहर की सभी जनता को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, उनकी जागरूकता को सैल्यूट करता हूँ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।